डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में लेकर आया हूं मैं आपके लिए क्लास टेंथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो लेसन पढ़ रहे हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेसन में आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के साथ साथ आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूफ जो है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी पढ़ लिया। तो आज की इस क्लास में मैं पढ़ाने जा रहा हूं इसी लेसन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो लेसन है क्लास टेंथ का। इस लेसन की एक्सरसाइज 4.3 आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और इस 4.3 एक्सरसाइज से पहले ही मैंने जो यहां पर हम मेथड अप्लाई करने वाले हैं, जिन मेथड से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये रूट्स निकालने हैं, वो मेथड में पढ़ा चुका हूं। और वो दो मेथड जो आपने पढ़े, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। कुछ नए फ्रेंड्स हूं जिन्होंने ये पहली क्लास ना देखी हो, जिसमें मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ाया है और साथ ही साथ मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूफ भी दिया है, अगर ना पढ़ा हो तो पहले वो क्लास पढ़ लें। जब वो क्लास पढ़ लेंगे तब जाके आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि सभी फ्रेंड्स जो हैं वो अच्छे से क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे, समझने की कोशिश कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सीधा क्वेश्चन की तरफ ही जाऊंगा। और चाहूंगा कि अगर कुछ भी कोई कन्फ्यूजन किसी बच्चे की रही हो या किसी भी फ्रेंड के समझने में कोई कन्फ्यूजन रही हो, इन क्वेश्चन में जो है वो दूर हो जाए। तो उसके लिए जरूरी यह है कि आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखें, वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझने की कोशिश करें। आज का जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का, क्वेश्चन इस तरीके से है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, इनके रूट्स निकालने हैं स्टूडेंट्स। और रूट्स किस तरीके से निकालने, इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अगर रूट एग्जिस्ट होते हैं, रूट निकलते हैं, तो रूट हमें निकालने हैं बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। किस मेथड से निकालने हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कल की क्लास जो पहली क्लास इससे मैंने ली है, उस क्लास में मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको समझा दिया है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है वो क्या होता है। उम्मीद करता हूं कि सभी फ्रेंड्स जो है वो अच्छे से ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन जो है, इसके हमारे पास चार पार्ट है, तो हम एक पार्ट ले लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है वो कर लें। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट के लिए इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के रूल्स अब मैं स्टेप वाइज लूंगा और देखता हूं कि आप बच्चों को भी कितने रूल्स जो है वो अच्छे से याद है, क्या आपने क्लास अच्छे से पढ़ी है कि नहीं, वो अभी पता चलेगा। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है 2x² - 7x + 3 = 0। 2x² - 7x + 3 = 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। फ्रेंड्स, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए रूल हमने ये पढ़ा था कि पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म होती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूं कुछ चीजें ध्यान रखना अच्छे से, कि कांस्टेंट टर्म जो होती है उसे हम राइट साइड में ले जाते हैं। तो हम इसी इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं 2x² - 7x = जब 3 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, ये -3 बन जाएगा। तो पहले स्टेप में क्या किया, जो कांस्टेंट टर्म है इसे राइट साइड में ट्रांसपोज किया, तो ये पहला स्टेप है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए। उसके बाद दूसरा स्टेप मैंने क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि जो कोफिशियंट होता है एक्स स्क्वायर का, उसके साथ हम दोनों साइड को डिवाइड करते हैं। वीडियो में शायद मुझसे ये निकल गया है कि पहले की हम ऐड करते हैं, ऐड नहीं बल्कि हम डिवाइड करते हैं। लिखने में हमने सही लिखा है लेकिन बोलने में थोड़ी गलती हुई है शायद, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। हम क्या करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है, इसके साथ हम डिवाइड करते हैं दोनों साइड की इक्वेशन, ठीक है। तो हम एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होता है, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 2 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 2 है। अब डिवाइड किस लिए करते हैं, डिवाइड करना क्यों जरूरी होता है, हम डिवाइड इस वजह से करते हैं कि हम एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है उसे यूनिटी में लेते हैं। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है हम उसे यूनिटी में लेते हैं स्टूडेंट। तो यूनिटी में लेने के लिए हम क्या काम करते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट। अब दोनों साइड को किसके साथ डिवाइड करेंगे, 2 के साथ, 2 को 2 के साथ डिवाइड करो, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7 को 2 के साथ डिवाइड करो तो बनेगा 7 / 2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3/2, क्योंकि दोनों साइड को डिवाइड करना है 2 के साथ, कर दिया डिवाइड। उसके बाद तीसरा स्टेप हमने क्या लिया था, अब तीसरा और चौथा स्टेप हम एक ही ले सकते हैं, एक ही स्टेप में हम करने की कोशिश करेंगे। तीसरे स्टेप में हमने लिखा है कि हम x का कोफिशियंट लेते हैं, ये जो x हमारे पास है इसका कोफिशियंट क्या है, -7, हम इसका कोफिशियंट लेते हैं और कोफिशियंट के हाफ का स्क्वायर लेते हैं, कोफिशियंट के हाफ का स्क्वायर हम लेते हैं। फिर वही जो कोफिशियंट के हाफ का स्क्वायर लेकर हमारे पास जो नंबर बनता है, वो नंबर हम एड करते हैं बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन टू बोथ साइड्स, ठीक है।
तो नंबर क्या लेना है, वन बाय यानी हाफ ऑफ द कोफिशियंट, स्क्वायर लेना है किसका, जो हमारे पास कोफिशियंट बनेगा यहां पर, जैसे कोफिशियंट माइनस सेवन है, अब यहां पर सॉरी यहां पर जो कोफिशियंट हमारे पास बन गया वो हमारे पास बन गया माइनस सेवन डिवाइडेड बाई टू हमारे पास है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका कोफिशियंट हम ले लेंगे, यहां पर एक्स का कोफिशियंट लेना है, एक्स का कोफिशियंट माइनस सेवन डिवाइडेड बाई टू हमारे पास बन गया। जब ये हमारे पास बन गया हम क्या काम करते हैं, इसके हाफ का स्क्वायर ले लेते हैं, और वो स्क्वायर करके जो नंबर हमारे पास बनेगा वो नंबर हम दोनों साइड में ऐड करते हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं एडिंग वन डिवाइडेड बाई टू यानी हाफ ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज ये कोफिशियंट क्या बनेगा हमारे पास, वन डिवाइडेड बाई टू इंटू सेवन डिवाइडेड बाई टू, इसका स्क्वायर ले लेंगे हम, माइनस सेवन इंटू वन को आ जाएगा माइनस सेवन का स्क्वायर हो गया हमारे पास 49, टू इंटू टू फोर, फोर का स्क्वायर जो है वो बनेगा 16, टू बोथ साइड्स, तो दोनों साइड में हम ऐड करेंगे स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। अब एक्स का कोफिशियंट जो हमारे पास यहां पर आ गया माइनस सेवन बाई टू, अब इसका हाफ लेंगे यानी वन डिवाइडेड बाई टू ऑफ माइनस सेवन बाई टू, और उसका स्क्वायर लेंगे, उस स्क्वायर लेकर जो नंबर हमारे पास बन गया वो बन गया 49 बाई 16, जो ये नंबर हमारे पास मिल गया 49 डिवाइडेड बाई 16, ये हम दोनों साइड में ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। जब आप दोनों साइड में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन डिवाइडेड बाई टू ऑफ एक्स, प्लस एड करना है 49 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू प्लस 49 डिवाइडेड बाई 16, क्योंकि हमने लिख दिया बोथ साइड, दोनों साइड में ऐड करना है, तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, विच इंप्लाइज। अब यहां पर एक्स ऐसे ही रखेंगे हम माइनस, यहां पर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, 49 सेवन के स्क्वायर के बराबर होता है और 16 फोर के स्क्वायर के बराबर होता है, तो हम इसको ले सकते हैं सेवन डिवाइडेड बाई फोर का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, जैसे कल मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था पहली क्लास में, तो आप इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ले लें और देखें, चेक कर सकते हैं आप ये इसके बराबर है या नहीं। डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस 49 डिवाइडेड बाई 16 जो है वो एक्स माइनस सेवन बाई फोर का होल स्क्वायर के बराबर है, आप रफ में चेक भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू। अब यहां पर दोनों का एलसीएम अगर हम निकालें, टू और 16 का, वो 16 ही निकलेगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां पर माइनस थ्री हमारे पास है, ऐसे ही रखेंगे हम, यहां पर 2 की मल्टीप्लीकेशन 8 के साथ करें तो 16 बनेगा, इसका मतलब इसके न्यूमिरेटर के साथ भी 8 ही मल्टीपल होगा। उसके बाद यहां पर प्लस 49, क्योंकि 49 का डिनोमिनेटर जो है वो 16 पहले से है, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, एक्स माइनस सेवन डिवाइडेड बाई फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 8 आ गया हमारे पास 24 साइन माइनस प्लस 49 डिवाइडेड बाई 16। उम्मीद करता हूं यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स को, बिल्कुल आसान यहां तक है। यहां पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, हम लिखते हैं x माइनस सेवन डिवाइडेड बाई फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 24 आ गया 25 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम लिख सकते हैं x माइनस सेवन डिवाइडेड बाई फोर स्क्वायरिंग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड में रूट लेंगे स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, यहां पर सिर्फ x माइनस सेवन बाई फोर ही रहेगा इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 16 प्लस माइनस रूट हमारे पास, विच इम्प्लाइज हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस सेवन डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू, यहां पर रखिएगा स्टूडेंट्स ध्यान, हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 25 जो है ये 5 के स्क्वायर के बराबर होता है, 16 जो है 4 के स्क्वायर के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 4, क्यों, क्योंकि जब 25 का 5 स्क्वायर है, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, 60 के लिए 4 स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट जो हमारे पास होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर 5 डिवाइडेड बाई 4 ही हमारे पास रहेगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं एक्स माइनस सेवन डिवाइडेड बाई, अब यहां पर स्टूडेंट हम ऐसा करते हैं माइनस सेवन बाई फोर को ट्रांसपोज करते हैं राइट साइड में, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू यहां पर प्लस माइनस फाइव बाई फोर है, माइनस सेवन बाई फोर को ट्रांसपोज किया बन गया प्लस सेवन बाई फोर, समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं आप, तो हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम है तो हम एक ही ले लेंगे फोर, न्यूमिरेटर में हमारे पास आ गया फाइव प्लस सेवन, ठीक है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, विच इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू, अब प्लस अलग ले लेंगे माइनस अलग लेंगे, फाइव प्लस सेवन डिवाइडेड बाय फोर आर एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव प्लस सेवन डिवाइडेड बाय फोर, प्लस अलग ले लिया माइनस अलग ले लिया,
which implies x is equal to 7 plus 5, 12 divided by 4. And x is equal to 7 minus 5, aa gaya hamare paas 2 divided by 4. Therefore, x is equal to 12 ko 4 ke saath divide kare 3. X is equal to, kasar kaat le 2 1 r 2, 2 2 r 4, to 1 divided by 2. Hence, required roots are, ab hamare paas x ki jo values nikli students, yehi roots hain. To required roots jo hamare paas ban gaye, wo hamare paas ban gaya 3 and 1 divided by 2. उम्मीद करता हूं कि आप सभी फ्रेंड्स को ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आया होगा. और अब इसके जो बाकी पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, आप कोशिश कीजिएगा उन पार्ट्स को खुद करें. अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को रहे उन पार्ट्स में, तो आप कमेंट कर सकते हैं. मैं कमेंट देखकर आपकी वो कंफ्यूजन जो है उसे दूर करने की कोशिश जरूर करूंगा. और ये सभी बच्चे जब आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे, कॉपी पर नोट करने के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करेंगे, जब आप एक दो मरतबा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, आप यकीन रखें कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा और हर एक पार्ट जो है वो आप खुद कर लेंगे. तो कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन हो गया. डियर स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन आप पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा. अब क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1. यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई थी, जैसा कि ये पार्ट अभी दिया गया था, यही सभी पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी है. जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी हमारे पास है. अबोव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला. पहले करना था हमें इन चार पार्ट को किससे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से. और अब कहा गया है कि आप इन्हें सॉल्व करें किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से. क्वाड्रेटिक फार्मूला कल मैंने आपको दिखा दिया है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है. और रूट्स कब निकलते हैं, व्हेन बी स्क्वायर, यानी जिसे आप डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है व्हेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तब हमारे पास रूट्स निकलते हैं. जब लेस देन 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर लेस देन 0 हो यानी माइनस में हो, तब रूट्स नहीं निकलते हैं. तो रूट्स हमें निकालने हैं. क्वेश्चन में कहा गया है जो आपके पास पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए दिए हैं, वही पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी है. और एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स, कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, वही क्वेश्चन नंबर 2 का भी फर्स्ट पार्ट है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी हम यही लेंगे, क्योंकि हमें इससे यह पता चल जाएगा कि मेथड कोई भी हो, मैं यही पार्ट इस वजह से दिखाऊंगा कि मेथड कोई भी हो, रूट सेम निकलेंगे. फैक्टराइजेशन मेथड से भी यही रूट्स निकलेंगे जो अभी हमारे पास निकले. जिस इस क्वेश्चन को अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें, तो वही रूट्स निकलेंगे जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकले, और वही रूट्स मिलेंगे जो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो अभी किससे सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से. तो हमारे पास पार्ट क्या था, हम लिखते हैं यहां पर, वी हैव 2x² - 7x + 3 - 7x + 3 इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स, अभी हमने किस मेथड से सॉल्व किया इसे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर. ठीक है, लेकिन अब किस मेथड से सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हम क्या काम करते हैं, सबसे पहली चीज हम ए बी और सी लेते हैं. तो हम लिख सकते हैं हियर ए इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 3. तो ये हमारे पास हो गया एबीसी. तो अब हम क्या काम करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जिसे आप कहते हैं d, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो b की जगह हमारे पास क्या है, -7. तो बी स्क्वायर की जगह आ गया -7 का स्क्वायर, -4 हमारे पास यहां पर है. फिर a की जगह हमारे पास 2 और c की जगह हम लेते हैं 3. 7 का स्क्वायर हो गया 40 टाइम, माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 × 2 = 8 × 3 आ गया 24. 49 - 24 इज इक्वल टू 25, ग्रेटर देन 0. जब ग्रेटर देन 0 है स्टूडेंट, मैंने आपसे पहले ही कहा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स मिलेंगे, तो रूट्स आप निकाल सकते हैं. तो अब हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करने जा रहे हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या होता है, x इज इक्वल टू, जैसे कल हमने लिखा था, -b + -√b² - 4ac, b² - 4ac, उसे आप d लिख सकते हैं शॉर्ट में, डिवाइडेड बाय 2a, यही है आपके पास फार्मूला. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -b. अब b क्या है हमारे पास, -7, ये माइनस तो हमारे पास फार्मूले में है, और b का जो अपना माइनस है वो साथ में रखते हैं, प्लस माइनस,
स्क्वायर रूट ऑफ बी यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वो किसके बराबर आ गया 25 डिवाइडेड बाय 2a इन प्लेस ऑफ a हमारे पास क्या नंबर है हमारे पास 2 माइनस इनटू माइनस हो गया प्लस यानी 7 प्लस माइनस 25 जो है वो 5 स्क्वायर के बराबर होता है 2 इंटू 2 आ गया हमारे पास 4 स्क्वायर है रूट कैंसिल ठीक है स्टूडेंट तो हम यहां लिख सकते हैं विच इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5 क्योंकि स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो गया 5 मिल गया हमारे पास डिवाइडेड बाय 4 ठीक है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस भी है माइनस भी है तो हम यहां क्या करते हैं स्टूडेंट 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 अलग ले लेते हैं एंड एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 अलग ले लेते हैं तो हम यहां लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस 5 12 डिवाइडेड बाय 4 एंड एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 5 आ गया 2 डिवाइडेड बाय 4 तो हम लिख सकते हैं देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 12 को 4 के साथ डिवाइड किया 3 एंड एक्स इज इक्वल टू इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाओ तो 1 बाय 2 बनेगा तो हम लिख सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड रूट्स आर रिक्वायर्ड रूट्स आर 3 एंड 1 डिवाइडेड बाय 2 उम्मीद करता हूं कि सभी फ्रेंड्स को ये क्लास जो है बिल्कुल अच्छे से पसंद आई होगी और सभी क्वेश्चन दोनों मेथड से क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किस तरीके से सॉल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से किस तरीके से सॉल्व करते हैं अच्छे से समझ आया होगा और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहे फ्रेंड्स तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट में आप लिख सकते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी या क्लास आपको में क्लास में कोई खामी लगी या कहीं पर क्वेश्चन समझाने में मुझसे कोई फर्क रह गया आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं फ्रेंड्स भी स्टूडेंट्स भी जितने हैं मेरे वो सब लिख सकते हैं किसी फ्रेंड को कोई कंफ्यूजन रही हो तो वो भी कमेंट कर सकता है और उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे अच्छी तरह से अपनी क्लास की तरफ तवज्जो दे रहे होंगे वीडियोज अच्छे से समझ आ रहे होंगे अगर अच्छे से समझ आ रहे हैं क्लास पसंद आ रही है दोस्तों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी करें और कमेंट भी जरूर कर दें कम के कमेंट से आपके लाइक से मुझे एक तो हौसला मिलेगा और पता चलेगा कि मुझे कहां पर खामी है कहीं कुछ वीडियो बनाने में या कहीं पर क्वेश्चन समझाने में कोई परेशानी है तो मैं इसे दूर करने की कोशिश करूंगा हाँ अगर कुछ फ्रेंड्स ये चाहते हैं कि मैं कुछ अलग एक्स्ट्रा टॉपिक जो हमारे पास है मैथ के रिलेटेड में उन पर कोई क्लास दूं चाहते हैं अगर उन्हें क्लास पसंद आई है वो चाहते हैं कि मैं किसी और मौजू पर भी क्लास दूं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैंने पहले ही क्लास में दिया है और उसके बाद भी मैंने एक दो क्लासेज में वीडियोज में अपना कॉन्टेक्ट नंबर पहले से ही दिया है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कह सकते हैं अल्लाह हाफिज़